हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड थर्ड और फोर्थ के लिए बेसिक ग्रामर लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको द नाउन्स इट्स काइंड्स, अवर चैप्टर नेम इज द नाउन इट्स काइंड्स। नाउन्स आर वर्ड्स फॉर, नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके लिए यूज करते हैं, पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स। Nouns are words for people, things, places or animals. For example, cat, dog and snake are words for animals. ये जो cat, dog और snake, ये जो words हैं वो किसके लिए हैं? Animals के लिए। Now, artist, lawyer and teacher are words for people. ये जो आर्टिस्ट, लॉयर एंड टीचर, वो वर्ड्स किसके लिए यूज किए हैं? प्यूपल के लिए। बैट, पेन एंड रूलर आर वर्ड्स फॉर थिंग्स। ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए गए हैं? थिंग्स के लिए। बैट, पेन एंड रूलर आर वर्ड्स फॉर थिंग्स। बैंक, प्लेग्राउंड एंड रिवर आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। ये प्लेसेस के लिए यूज किए गए हैं। एनिमल्स तो समझ गए आप सब लोग, कैट, डॉग, काउ, पीपल, जैसे आर्टिस्ट, लॉयर, वकील, टीचर, टीचर भी सबको पता है, तो ये सब कौन होते हैं? पीपल। थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है वस्तु, बैट, पेन एंड रूलर। प्लेसेस मीन्स होता है जैसे बैंक, प्लेग्राउंड, जगह का नाम। रिमेम्बर, अब आपको ये याद रखना है, रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना, आर ई एम ई एम बी ई आर। नाउन्स आर नेम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो नाउन्स होती हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नेम होते हैं। नाउन्स आर नेम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग लिविंग कौन होते हैं? जैसे एनिमल्स लिविंग है, जैसे हम लोग हैं जो जिंदा है, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, है ना, आपकी पेन, पेंसिल, बैग, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो नाउन क्या होती है? वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होता है, काइंड ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहली नाउन होती है कॉमन नाउन। ओके, अ कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम। जो कॉमन नाउन होती है वो कोई भी कॉमन नेम होता है, वी गिव टू ए टाइप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जिसको हम, जो नाम हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी से द वर्ड गर्ल, जब हम गर्ल बोलते हैं, इट कैन बी यूज टू ईच एंड एवरी गर्ल। तो ये जो गर्ल जो वर्ड है वो हम सब लड़कियों के लिए यूज करते हैं। इन द वर्ड हैंस इट इज अ कॉमन नेम। तो ये सब गर्ल का कॉमन नेम हो गया ना, हर कोई भी गर्ल होगी आप उसको गर्ल बोलोगे, कोई भी लड़की को, तो ये उसका कॉमन नाम हो गया, स्पेशल नाम नहीं है, कॉमन नाम है ये। फॉर ऑल द गर्ल्स लिविंग एनीवेयर, कहीं भी कोई भी लड़की रह रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? गर्ल। तो ये गर्ल है वो कॉमन नाउन हो गया। रीड द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। में आपको कॉमन नाउन पढ़नी है। फर्स्ट, अ बॉय इज रीडिंग अ बुक। तो बॉय तो कोई भी बुक, कोई भी लड़का होगा वो बॉय, और बुक कोई भी बुक हो, हिंदी की, इंग्लिश की, कोई भी, उसको हम बुक बोलेंगे। तो ये आप, ये जो बॉय और ये जो बुक है ये कॉमन नेम है। इसी तरह सेकंड में, द वुमेन इज ईटिंग अ मैंगो। तो इसमें वुमेन और मैंगो। थर्ड, अ टीचर टीच इन द स्कूल। फोर, अ जॉय इज यंग कंगारू। फिफ्थ नंबर, चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन तो कैसा भी हो उसको हम टेलीविजन ही बोलेंगे, कहीं भी होगा। चिल्ड्रन, सब बच्चों को कहीं भी होंगे उसको हम चिल्ड्रन बोलेंगे। कंगारू के जितने भी बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? जॉय। स्कूल, स्कूल के नाम तो अलग अलग होते हैं ना, पर कोई भी स्कूल होगा, पढ़ने की जगह होगी, तो आप उसको क्या बोलोगे? स्कूल। तो ये कॉमन नाम हो गया उस जगह का। टीचर, कोई भी पढ़ा रहा है, वैसे टीचर का अलग अलग नाम होता है, पर कोई भी पढ़ा रहा हो क्लास में, तो कोई भी टीचर, तो आप उसको टीचर ही बोलोगे, तो इसलिए उसका कॉमन नेम हो गया। ओके, अब मैंगो भी बहुत, कोई कैसा आम होता है, कोई कैसा आम, अलग अलग होता है ना, लेकिन कोई भी होगा तो आप खा रहे होगे तो क्या बोलोगे उसको? मैंगो। द वुमेन इज ईटिंग अ मैंगो। वुमेन भी कोई भी लेडी होगी, आप उसको वुमेन बोलोगे, तो ये भी कॉमन हो गया। ओके, द नाउन, ये बॉयज, बुक, वुमेन, मैंगो,
टीचर, स्कूल, जॉय, कंगारू, चिल्ड्रन एंड टेलीविजन, ये सब आपने ऊपर पढ़े ना सेंटेंस में, आर यूज इन कॉमन फॉर एवरी पर्सन। हम इनका यूज कॉमन करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल और थिंग हो। पर्सन समझ गए ना, टीचर, प्लेस हो, कोई जगह हो, एनिमल हो और थिंग, वस्तु हो, ऑफ सेम काइंड, एक तरह की होगी तो हम उसको कॉमन नाम दे देते हैं। सो दीज नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, इसलिए हम उनको कॉमन नाउन्स बोलते हैं। द नाउन बॉय, बुक, वुमेन, मैंगो, टीचर, स्कूल, जॉय, कंगारू, चिल्ड्रन एंड टेलीविजन आर यूज इन कॉमन फॉर एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम काइंड, सो दीज नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। अभी इसमें हमने कॉमन नाउन के बारे में पता है, पढ़ा है, अभी आगे हम आपको, मैं आपको प्रॉपर नाउन सिखाऊंगी, ये आप इतने रीड करना है इसको बैठ के चैप्टर को। ओके, थैंक यू।